जब अनिल कपूर ने आदित्य पंचोली को हटाकर अपना किस्मत चमका दिया था। ये रहा मेरी बेगुनाही का सबूत, पूछ लीजिए इसे कि सच्चाई क्या है। ये उन दिनों की कहानी है जो अनिल कपूर हाल ही में मिस्टर इंडिया फिल्म रिलीज की थी और ये फिल्म सुपर हिट रही थी और अनिल कपूर ने कई सारे फिल्में साइन भी कर ली थी, लेकिन इसके बाद अनिल कपूर की एक भी फिल्म नहीं चली थी, एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी और अनिल कपूर का करियर पूरी तरह से नीचे की तरफ जा रहा था। तो इसी बीच अनिल कपूर को पता चला, या कह सकते हैं अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर को पता चला कि डायरेक्टर एन चंद्रा अंकुश और प्रतिघात जैसी हिट फिल्म देकर बॉलीवुड में अपना एक छाप छोड़ दिया था। तो उसी डायरेक्टर एन चंद्रा ने एक फिल्म का ऐलान किया था, तेजाब। इस फिल्म में एन चंद्रा ने लीड रोल यानी हीरो के रोल के लिए साइन कर लिया था आदित्य पंचोली को और हीरोइन की रोल में नई लड़की की माधुरी दीक्षित को, साथ में चंकी पांडे, सुरेश ओबेरॉय, किरण कुमार थे। तो इन सब स्टार कास्ट के ऊपर तेजाब फिल्म बन रही थी, लेकिन जैसे ही बोनी कपूर को इस फिल्म के बारे में पता चला और उड़ती उड़ती खबर आई कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही दमदार है, तो बोनी कपूर सीधा चले गए एन चंद्रा के ऑफिस में और एन चंद्रा को इंसिस्ट करने लगे कि आपको आदित्य पंचोली जैसे एक नया कलाकार नहीं, अनिल कपूर को लेना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में अगर आदित्य काम करेंगे तो इस फिल्म शायद इतनी बड़ी हिट ना हो, मगर मैंने जो कहानी सुनी है वो कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म सिर्फ अनिल कपूर के लिए ही बनी है, तो आप अनिल को इस फिल्म में लीजिए और फिर देखिए इस फिल्म का क्या कमाल होता है। मगर एन चंद्रा ने कहा, अनिल कपूर को लेने के लिए ना तो मेरे पास बजट है और ना अनिल कपूर के पास इतना डेट्स है, मैं जानता हूँ अनिल कपूर काफी बिजी है तो वो मुझे डेट्स कहाँ से देगा। बोनी कपूर ने कहा, डेट्स की कोई चिंता मत कीजिए, आप बस फिल्म को शुरू कर दीजिए, अनिल ये फिल्म करेगा इसकी गारंटी मैं देता हूँ, और रहा पैसों की बात तो अनिल कपूर आधे पैसों में भी ये फिल्म आपके लिए कर देगा, उसको बस एक हिट फिल्म चाहिए, एक तगड़ा कहानी चाहिए। तो खैर, बोनी कपूर के इंसिस्ट के ऊपर एन चंद्रा ने आदित्य पंचोली को हटवा दिया और उसके जगह अनिल कपूर को ले आए। शुरू हो गई तेजाब फिल्म की शूटिंग और ये फिल्म 1988 में रिलीज हुआ तो हम सभी जानते हैं कि तेजाब उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल था। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और इसके बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी एक चमत्कार जोड़ी में बदल गई। दोनों में काफी सारे हिट फिल्में इसके बाद दी थी और इस फिल्म के गाने आज भी सुने जा रहे हैं। तो ये फिल्म आदित्य पंचोली का था, अनिल कपूर का नहीं, तो कह सकते हैं बोनी कपूर ने इस फिल्म को अनिल कपूर के झोली में डाल दिया था और इसके बाद आदित्य पंचोली जब इस फिल्म की सक्सेस देखा तो वो बहुत ही गुस्से में आ गए और एन चंद्रा के ऊपर या अनिल कपूर के या फिर बोनी कपूर के ऊपर ये गुस्सा उतारने वाले थे, लेकिन उस समय वो एक नए कलाकार थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे तो गुस्से उतारने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि इसी साल यानी 1988 में आदित्य पंचोली ने डेब्यू किया था केसी बोकाडिया का फिल्म कब तक चुप रहूंगी मैं और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी। तेजाब जिस तरह हिट हुई थी, अनिल कपूर इस फिल्म में जिस तरह से कमाल कर दिया था, ये शायद आदित्य पंचोली ना कर सके। तो आदित्य पंचोली की किस्मत में तेजाब नहीं लिखा था, तेजाब अनिल कपूर की किस्मत में लिखा था। ये आदित्य पंचोली की किस्मत है और ये किस्मत अनिल कपूर का भी है, जो तेजाब अनिल कपूर के पास आ गया सिर्फ अपने भाई बोनी कपूर के दिमागी करामती के कारण। ये था अनिल कपूर और आदित्य पंचोली की तेजाब फिल्म को लेकर एक वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त, टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।